जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्ड वरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुन शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए आज हम करते हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट होता है। इसमें लगभग आपके 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में लिखना है। जय भोलेनाथ। चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। पहला टाइप डिस्काउंट का बट्टा। 20%, 10% और 5% के 3 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो एकल छूट बतानी होती है। एकल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? 20% को 1/5 हम लिख सकते हैं, 10% को 1/10 लिख सकते हैं और इसको 5% को 1/20 लिख सकते हैं। पहले कंडीशन में 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट यानी 4 रुपए में बेची जाएगी। दूसरा हो जाएगा 10 पर 1 का डिस्काउंट 9 रुपए में। और तीसरे नंबर का डिस्काउंट 20 पर क्या है, 1 की छूट मिल गई, तो ये 19। अगर ऐसे कटते हो क्रॉस में तो काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 से कट जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 250 रुपए की चीज 171। इन सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 171 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का डिस्काउंट, 79 का डिस्काउंट 250 पर। कितने प्रतिशत है गुणा में 100 कर देंगे, 31.6% एकल डिस्काउंट आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, बेस्ट अप्रोच है ये क्वेश्चन को करने की। टाइप नंबर 2। एक प्लेट को 12 से ही 1/2% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद 6300 रुपए में बेची जाती है, तो अंकित मूल्य बताना प्लेट का क्या हुआ। इसको लिख सकते हैं 1/8 और इसको लिख सकते हैं 1/10। 8 रुपए प्लेट का अंकित मूल्य है तो 1 का डिस्काउंट 7 रुपए में बेची जाएगी। 10 रुपए अगर है अंकित मूल्य तो 1 रुपए का डिस्काउंट 9 रुपए में बेची जाएगी। दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 रुपये अंकित मूल्य है, अब वो बेची कितने में गई है, 9 साथ 63 रुपए में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6300 रुपए में वो बेची जाती है। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 100। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा वस्तु का, तो इसको भी हम 100 गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8000 रुपए। टाइप नंबर 3। अंकित मूल्य पर 30% का एक डिस्काउंट है और 20% और 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है और इनके बीच का अंतर है 144 रुपए, तो अंकित मूल्य बताना है। तो क्या करेंगे, यहां पर सक्सेसिव डिस्काउंट जो 20 और 10 है इसको एकल बना देंगे, एकल छूट निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 10, एक तरीका आपका ये भी होता है निकालने का, एकल छूट निकालने का एक ही फार्मूला, या फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हो। इस तरीके से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और माइनस इसको करेंगे तो ये 2, यानी कि 28% आ जाएगा एकल छूट। और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, इनका डिफरेंस है 2% का, तो 2% डिफरेंस किसके बराबर है, 144 रुपए के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, बटे में 2, और 100% कितना हो जाएगा, गुणा में कर देंगे 100। 2 से काट देना, 2 साथ 14 और 2 दूनी 4, तो 72,700 रुपए क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। टाइप नंबर 4। 10,000 रुपए की लागत की एक वस्तु पर 50% डिस्काउंट और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 40 और 10%, तो बताना है 50% वाला कितना बेहतर है इससे, रुपयों में पूछ रखा है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट को एकल में बदल देंगे, 40 प्लस 10 माइनस 40 × 10 और बटे में 100 काट देंगे, इससे ही हो जाएगा 50 में से 4 गया कितना, 46%। तो कितना बेहतर है, एक तो डिस्काउंट 50% का मिले, एक 46% डिस्काउंट मिले, इसका मतलब ये फायदेमंद है। तो कितना फायदेमंद है, 4% का फायदा हो जाएगा, और रुपए में पूछ रखा है तो 10,000 रुपए का 4% आप निकाल देना, आंसर आ जाएगा कितना बेहतर है, 400 रुपए, ये आंसर हो जाएगा। टाइप नंबर 5। इनमें से कौन सा डिस्काउंट बेहतर है, 2 दे रखे हैं, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। जिसका भी गुणनफल सबसे कम आता है वही आपका बेहतर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। टाइप नंबर 6। एक खिलौने पर 10% डिस्काउंट देने के बाद 20% उसे प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अगर डिस्काउंट 20% का दे तो उसे कितना प्रॉफिट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ट्रिक से भी करवाया था। देखो 10% डिस्काउंट देने के बाद 90 रुपए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा डायरेक्ट,
और 20% प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ेंगे तो 120 क्या बन जाएगा मार्क प्राइस। अब देखो वो कहता है अगर 20% डिस्काउंट दिया जाए तो 120 में अगर हम 20% डिस्काउंट देंगे मार्क प्राइस में तो कितने रुपए की वो चीज बेचेगा, वो बेच देगा इसमें से 20% 12 × 24 इसमें से माइनस कर देना तो बचेगा कितना 8 × 12 = 96 96 बच जाएगा। 90 रुपए की चीज है अब 20% डिस्काउंट देने के बाद 96 में वो बेचता है तो 6 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा 90 रुपए पर, तो गुणा में कर देंगे 100 तो कितना आ जाएगा 3 × 6 = 3 × 9 आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3% का उसे क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। पहले उसे 20% प्रॉफिट होता था, अब डिस्काउंट अगर 20% दे देगा तो इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा उसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन आपके डिस्काउंट से पूछे जाने थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 6 टाइप है, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आप चाहे HSSC का एग्जाम देते हो, चाहे SSC का एग्जाम देते हो, रेलवे, बैंकिंग, CPO, कोई भी एग्जाम देते हो, अगर डिस्काउंट बट्टे से रिलेटेड टाइप आया तो इस टाइप को एक बार प्रैक्टिस कर लेना 6 टाइप को, इसके बाद आप क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है और आपने कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ।